स्टाम्प विक्रेता संगठन नालागढ़ में स्टाम्प कमीशन को 4% से घटाकर 1% करने के विरोध में संगठन कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट कर रही है। स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा उनके स्टाम्प कमीशन 4% से घटाकर 1% कर दी गई, जिससे सरकार उन पर आर्थिक हमला कर रही है। इस कड़ी में संगठन ने नालागढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसको संबोधित करते हुए संगठन के जिला उपाध्यक्ष संजय राणा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सुख सरकार आई तो इसमें तो जब सरकार ने आपदा में इतने जो अपने डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं महंगाई के टाइम में उनकी सैलरी की बढ़ोतरी की है, और अपने भी कोई जो किसी और किसी विभाग को जो किसी की सैलरी कम नहीं की, तो एक हिमाचल प्रदेश के स्टाम्प वेंडर के साथ ऐसा क्यों किया गया? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 जिलों में कितने वेंडर हैं जिनके परिवार और बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई चल रही थी? अगर इस 4% को आपको काम करना ही है तो हमारे को ये 10% कर दो, हम आपसे मांग करते हैं। हमारा 4% जो इतने मुख्यमंत्री रहे किसी ने नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे अभिव्यक्ति की भाषा में शांत स्वभाव से अपना ये मांग रखता हूँ कि सारे हिमाचल प्रदेश में जो ये फैसला लिया है इसको विचार करें, इसको वापस लें, और हिमाचल प्रदेश के प्रिंट मीडिया और भाई बंधुओं को सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो हम सरकार अगर हमें मजबूर करेगी कानूनी कार्रवाई के लिए, जब हम जनता को इतने समय से डील कर रहे हैं, जनता की समस्या को हमारे पेपर कहाँ कहाँ लगते हैं, OPS से मुख्यमंत्री जी ने इशू किया, हमने किसी को ऐसे तो नहीं है किसी को पेपर नहीं दिया, ये कांग्रेस का या सरकार का है। सरकार ने ठीक फैसला लिया, हमने काम किया, जो भी काम आता है कोर्ट कचहरी में, ये हिमाचल में कोई एक जगह नहीं है, कितनी तहसीलें हैं, कांगड़ा है, चंबा है, टोटल और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 है, उनके BBND में सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, हमें सारे हिमाचल में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है, आपको जनता ने गद्दी में बैठाया जी आँखों पे, लेकिन केंद्र सरकार को भी हमने ज्ञापन भेजा है, हमारी समस्या के ऊपर विचार करें। हम गरीब लोग हैं, हम कोई इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, एक जो कंपनी है वो हिमाचल से नहीं है, हम लोग हिमाचल से हैं, आप हमारे प्रिय बंधु हिमाचल से हैं, इसके ऊपर अपने हिमाचल के वेंडरों के ऊपर दया करें। धन्यवाद। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो वेंडर हैं वो 4% है, 4% कमीशन है, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। हमें ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है, हमें न्याय दो, हम कांग्रेस के गुण गाएंगे, हमें सरकार से ये है कांग्रेस को न्याय, हम ये नहीं कहते BJP या कांग्रेस, वो अलग बात है, लेकिन जनता तो हम तो सबको डील करते हैं ना कोर्ट में, हम ये थोड़ी पूछते कांग्रेस का है किसका है। मुख्यमंत्री जी पुण्य विचार करें इसके ऊपर, आप और भी देख लो, आपने क्या किया और विषयों पे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इंडस्ट्री का देख लो आपने 9 रुपये यूनिट कर दिया, 3 रुपये डीजल का किया, आपके पंचायती राज में देख लो 2 अक्टूबर को कोई भी प्रस्ताव नहीं डाला हिमाचल प्रदेश में, और इसके अलावा और छोटी छोटी समस्याएं आपकी, ये हमारी तो छोटी सी समस्या थी जिससे सारे हिमाचल के लोगों का और BBND में इंडस्ट्री है, ये सर्कल आपको सर, ये अगर आपने ऑनलाइन किया तो सेंटर को पैसा जाएगा, इसको आप इस स्थिति को व्यवस्था को ना छेड़ें, हिमाचल के रेवेन्यू हिमाचल के वेंडर आपके हैं, आपके रहेंगे, हमारे साथ घोर न्याय ना करें, हम आपसे इसके लिए भीख मांगते हैं। बिल्कुल सही सवाल पूछा, मैं सरकार को, विजिलेंस को, CID डिपार्टमेंट को, हिमाचल को, सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, अगर कोई वेंडर हिमाचल में 1 रुपये भी ऊपर लेता है केस दर्ज करो, अगर आपके ऑनलाइन ले रहे हैं सबसे पहले उनके ऊपर करो, वो लोग ले रहे हैं, हम लोगों के पास तो स्टॉक ही उतना है, रजिस्टर है, पेन है, लिखता है, उन लोगों का कहीं एविडेंस स्टैंड नहीं करेगा। आज दिन तक इन वेंडरों ने खारे किया, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी का कोई एविडेंस हाई कोर्ट में, मान लीजिए नीचे वाले अदालत में या कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी हमें पेशी भी जाना पड़ता है, तो हम उसमें ये नहीं देखते कि सुक्कू सरकार है केंद्र की सरकार है, हमने वही विटनेस देनी होती है जो हमारे पक्ष में नेचुरल और इक्वल और जो बिल्कुल सच्चाई होती है हकीकत, हमने बिल्कुल अपनी जुडिशियल से छेड़खानी नहीं करनी है, हम कानून के दायरे में रहने वाले हैं, शांत स्वभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बाकी कानून के रास्ते पे हमें चलाने पे मजबूर ना करें, उसकी तरफ अगर चलना होगा तो हम अपना थोड़ा और हम गरीब लोग हैं चलेंगे, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ना हमें वो फ़ायदा होगा ना सरकार को होगा।
मैं संजय कुमार, स्टाम्प एंटरटेनमेंट वाइस प्रेसिडेंट जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। नालागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम स्टाम्प वेंडर 1964 से कार्य कर रहे हैं 4% कमीशन पे, जिसको सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को देके हमारे को 1% और कंपनी के अधीन कार्य करने को मजबूर कर दिया है, जिसको हम कतई भी करने को तैयार नहीं है। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आज तक मैंने 2523 से लेके अभी तक मैंने SDM नालागढ़ के माध्यम से, DC सोलन से माध्यम से, एजुकेशन मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, MLA और माननीय मुख्यमंत्री और सेंटर को, हमारे अपना भारत सरकार को 6 विज्ञापन अलग अलग तरीक को दिए हैं, जो मेरे पास उनके प्रूफ और प्रेस मीडिया हिमाचल प्रदेश से हमारे प्रिय बंधु सब ने हमारा जो है सहयोग किया इसमें। तो जब सरकार ने आपदा में इतने जो अपने डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं महंगाई के टाइम में उनकी सैलरी की बढ़ोतरी की है, और अपने भी कोई जो किसी और किसी विभाग को जो किसी की सैलरी कम नहीं की, तो एक हिमाचल प्रदेश के स्टाम्प वेंडर के साथ ऐसा क्यों किया गया? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों में कितने वेंडर हैं जिनके परिवार और बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई चल रही थी? अगर इस 4% को आपको काम करना ही है तो हमारे को ये 10% कर दो, हम आपसे मांग करते हैं। हमारा 4% जो इतने मुख्यमंत्री रहे किसी ने नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे अभिव्यक्ति की भाषा में शांत स्वभाव से अपना ये मांग रखता हूँ कि सारे हिमाचल प्रदेश में जो ये फैसला लिया है इसको विचार करें, इसको वापस लें, और हिमाचल प्रदेश के प्रिंट मीडिया और भाई बंधुओं को सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो हम सरकार अगर हमें मजबूर करेगी कानूनी कार्रवाई के लिए, जब हम जनता को इतने समय से डील कर रहे हैं, जनता की समस्या को, हमारे पेपर कहाँ कहाँ लगते हैं, OPS से मुख्यमंत्री जी ने इशू किया, हमने किसी को ऐसे तो नहीं है किसी को पेपर नहीं दिया, ये कांग्रेस का या सरकार का है? सरकार ने ठीक फैसला लिया, हमने काम किया, जो भी काम आता है कोर्ट कचहरी में, ये हिमाचल में कोई एक जगह नहीं है, कितनी तहसीलें हैं, कांगड़ा है, चंबा है, टोटल, और टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी 68 है, उनके BBND में सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, हमें सारे हिमाचल में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री, 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है, आपको जनता ने गद्दी में बैठाया जी आँखों पे, लेकिन केंद्र सरकार को भी हमने ज्ञापन भेजा है, हमारी समस्या के ऊपर विचार करें, हम गरीब लोग हैं, हम कोई इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, एक जो कंपनी है वो हिमाचल से नहीं है, हम लोग हिमाचल से हैं, आप हमारे प्रिय बंधु हिमाचल से हैं, इसके ऊपर अपने हिमाचल के वेंडरों के ऊपर दया करें, धन्यवाद। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो वेंडर हैं वो 4% है, 4% कमीशन है, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, हमें ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है, हमें न्याय दो हम कांग्रेस के गुण गाएंगे, हमें सरकार से ये है कांग्रेस को न्याय, हम ये नहीं कहते BJP है कांग्रेस, वो अलग बात है, लेकिन जनता तो हम तो सबको डील करते हैं ना कोर्ट में, हम ये थोड़ी पूछते कांग्रेस का है किसका है। मुख्यमंत्री जी पुण्य विचार करें इसके ऊपर, आप और भी देख लो, आपने क्या किया और विषयों पे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इंडस्ट्री का देख लो आपने 9 रुपये यूनिट कर दिया, 3 रुपये डीजल का किया, आपके पंचायती राज में देख लो 2 अक्टूबर को कोई भी प्रस्ताव नहीं डाला हिमाचल प्रदेश में, और इसके अलावा और छोटी छोटी समस्याएं आपकी, ये हमारी तो छोटी सी समस्या थी जिससे सारे हिमाचल के लोगों का और BBNDM में इंडस्ट्री है, ये सर्कल आपको सर, ये अगर आपने ऑनलाइन किया तो सेंटर को पैसा जाएगा, इसको आप इस स्थिति को व्यवस्था को ना छेड़ें, हिमाचल के रेवेन्यू हिमाचल के वेंडर आपके हैं, आपके रहेंगे, हमारे साथ घोर न्याय ना करें, हम आपसे इसके लिए भीख मांगते हैं। बिल्कुल सही सवाल पूछा, मैं सरकार को, विजिलेंस को, CID डिपार्टमेंट को, हिमाचल को, सरकार को आगाहत करना चाहता हूं, अगर कोई वेंडर हिमाचल में 1 रुपया भी ऊपर लेता है केस दर्ज करो, अगर आपके ऑनलाइन ले रहे हैं सबसे पहले उनके ऊपर करो, वो लोग ले रहे हैं, हम लोगों के पास तो स्टॉक ही उतना है, रजिस्टर है, पेन है, लिखता है, उन लोगों का कहीं एविडेंस स्टैंड नहीं करेगा? आज दिन तक इन वेंडरों ने कार्य किया, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी का कोई एविडेंस हाई कोर्ट में, मान लीजिए नीचे वाले अदालत में या कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी हमें पेशी भी जाना पड़ता है, तो हम उसमें ये नहीं देखते कि सुक्कू सरकार है केंद्र की सरकार है, हमने वही विटनेस देनी होती है जो हमारे पक्ष में नेचुरल और इक्वल और जो बिल्कुल सच्चाई होती है, हकीकत, हमने बिल्कुल अपनी जुडिशियल से छेड़खानी नहीं करनी है, हम कानून के दायरे में रहने वाले हैं, शांत स्वभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बाकी कानून के रास्ते पे हमें चलाने पे मजबूर ना करें, उसकी तरफ अगर चलना होगा तो हम अपना थोड़ा और हम गरीब लोग हैं चलेंगे, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ना हमें वो फ़ायदा होगा ना सरकार को होगा।